और महंगाई भ्रष्टाचार को सदाचार का रूप देना। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी से लेकर प्रधानमंत्री तक जिस तरह से बेचैनी में है बौखला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता और जनता के हितों के लिए कोई काम नहीं किए। 40 सीट आते आते चुनाव के कहाँ पहुँच जाएगी? कुर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। सिन्हा का एक बयान आया है कि बिहार की जनता जान चुकी है 40 की 40 सीट हम जीतने जा रहे हैं, सही में जीत जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 9 सीट का जो चुनाव हुआ उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी से लेकर प्रधानमंत्री तक जिस तरह से बेचैनी में है, बौखलाहट में है, जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस एजेंडे पर आ गए हैं, ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी 40 सीट आते आते चुनाव के कहाँ पहुँच जाएगी और किस बदहवासी में रहेगी, ये पता चलेगा जब पूरा चुनाव सातों चरण का हो जाएगा तब। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता और जनता के हितों के लिए कोई काम नहीं किए, जनता के मुद्दे पर कहीं खड़ी नहीं रही है। 10 साल सत्ता को हो गया, एक भी उपलब्धि ऐसा बता दे प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, कि हमने ये काम किया है। आपने कुछ नहीं किया, आपने जुमलाबाजी किया, आपने भरम और धर्म की राजनीति की, आपने नफरत परोसने का काम किया। और जब जब चुनाव आता है देश में माहौल ख़राब करने का काम अगर कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को जनता और जनता के हितों से मतलब नहीं, जनता के मुद्दे से मतलब नहीं है। और महंगाई भ्रष्टाचार को सदाचार का रूप देना, नौकरी रोज़गार के मुद्दे पर तो भाजपा पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी दावा करती थी कि हर साल 2 करोड़ नौकरी या रोज़गार देंगे, 10 साल हो गया, 20 करोड़ देना चाहिए था, इन्होंने दिया भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 7,22,311। ये कहाँ पहुँचा दिए हैं देश को और देशवासियों को, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विजय सिन्हा कह रहे हैं कि लालू यादव को अगर वोट देते हैं तब परिवार बढ़ाएंगे और अगर मोदी को वोट देंगे तो देश बढ़ाएंगे। विजय सिन्हा अपने साथ जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं उनके संबंध में भी ये बात कह रहे हैं क्या? चूँकि कहीं पर निगाहें कहीं पर इशारा होता है, उनको राजनीतिक खुन्नस है अपने साथ वाले से और उसको वो दूसरे हिसाब से प्रस्तुत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये लोग डिप्टी सीएम हैं लेकिन जनता और जनता के कर्तव्यों के प्रति ईमानदार नहीं है, जनता के हितों के लिए ईमानदार नहीं है, ये लोग बयानवीर लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी को सारे प्रवक्ताओं को अपने काम से हटा देना चाहिए। ये 2 जो डिप्टी सीएम हैं यही प्रवक्ता काफ़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है, जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रही है, जिस तरह से डिप्टी सीएम भाषा इस्तेमाल करते हैं, कहीं से इनकी भाषा पदों के गरिमा के अनुरूप नहीं होता है, पदों के अनुरूप नहीं होता है। इस तरह के लोग कैसे डिप्टी सीएम बन गए हैं समझ में नहीं आता। आज बिहार दौरा पर अमित शाह आ रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, अमित शाह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और एक 32 साल के नौजवान के पीछे सारा हेलीकॉप्टर दौड़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी आम आवाम का ये विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं, नौजवानों का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं। नौजवानों का विश्वास, आम आवाम का विश्वास, महिलाओं और गरीबों का विश्वास, शोषितों वंचितों का विश्वास अगर किसी ने जीता है तो उस व्यक्ति का नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है। जो नेता प्रतिपक्ष रहते हुए जहाँ भी सभा कर रहे हैं एक बड़ी भीड़ आती है और वो भी स्वेच्छा से आती है। इन लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ लदुआ भीड़ लाते हैं और विचारों से दूर दूर तक जिनका नाता नहीं होता वो लोग इनके सभाओं में आते हैं। इसीलिए भाजपा में निराशा है और हताशा है। आज रोहिणी आचार्य का नामांकन भी है जिसमें लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, मीसा भारती और राबड़ी देवी खुद। देखिए, सबको पता है कि जो रोहिणी आचार्य है उन्होंने एक कर्तव्य का निर्वहन किया, एक पिता के प्रति जो पुत्री का फर्ज होता है उसको निभाने का काम किया। और जिस तरह से लालू जी को स्वास्थ्य लाभ कराने के लिए उन्होंने किडनी डोनेट किया, ये ऐतिहासिक रूप से उन्होंने सारी महिलाओं के लिए सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम किया है। और सभी
बेटी अब यही कहती है कि काश हमको भी अपने पिता के स्वास्थ्य के लिए, पिता के जीवन बचाने के लिए भगवान हमको मौका देते। इस तरह की जो प्रेरणा स्रोत है वो आज नामांकन कर रही हैं, तो बिहार के एक एक लोग उनके प्रति अपना सहानुभूति, अपना हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रोहिणी आचार्य जीत करके जिस तरह से पिता के प्रति एक पुत्री ने कर्तव्य का निर्वहन किया है, उसी तरह से पूरे क्षेत्र के जनता का और जनता के प्रति जवाबदेही का निर्वहन करने का काम करेगी और अपने जवाबदेही के माध्यम से सारण को बिहार और देश के स्तर पर आगे लाने का काम करेगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।